हेलो बच्चों, लेकर आए हैं मेंसुरेशन का लेक्चर नंबर 02, आईटी फाउंडेशन मैथमेटिक्स फॉर क्लास 8। मेंसुरेशन चैप्टर 11 का ये लेक्चर नंबर 2 है, ठीक है। और लेक्चर नंबर 01 में हम लोग ने बेसिक डिफिनेशन के साथ साथ उसके फॉर्मूले देखे थे और बेसिक कंसेप्ट को डील किए थे और 5 या 6 क्वेश्चन को देखे थे। लेक्चर नंबर 02 में हम डिस्कस करेंगे लगभग 8 से 10 क्वेश्चन। अच्छा बच्चों, एक बात बता दूं, देखो सीरीज क्लोज नहीं होगा, कुछ प्रॉब्लम आ जाता है जिसकी वजह से क्या होता है कि उस सीरीज को रोक दिया जाता है, ठीक है। लेकिन हमें आप लोग से ज्यादा इस बात का चिंता है कि सीरीज अगर 45 दिन के अंदर में हम अगर कंप्लीट कर लेते हैं तो अपने को बहुत अभी सीरीज पढ़ाना है। अगर देखेंगे तो बहुत सीरीज पढ़ाना है, 6 का पढ़ाना है, 7 का पढ़ाना है, ठीक है, और 8 का तो चल ही रहा है, ये मेरे हिसाब से 10 से 15 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा 20 से 25 दिन, ठीक है। और जो 10th का चल रहा है, 9th अभी बचा हुआ है, 11th करवाना है, 12th कराना है, तो सारे हमें काम तो करना है। उसके बाद में फिर हमें फिजिक्स लेके आना, क्लास 9th का अगर आप फिजिक्स देखेंगे तो उसको रोका गया है, ठीक है। उसके बाद में ग्रेविटी हमें लेके आना, उसमें 3 चैप्टर बचे हैं, वो कंप्लीट करना है, ठीक है। तो हमें खुद चिंता इस बात का है कि जितना जल्दी हो सीरीज बच्चों को प्रोवाइड कर दो, ठीक है। तो आप लोग से यही रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पे न्यू है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और आप लोग जो है हमें क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे। और अगर आप लोग को पर्टिकुलर कोई लेक्चर चाहिए तो वो आप हमें कह सकते हैं, उस टॉपिक का पर्टिकुलर लेक्चर हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। हाँ, अगर आप बोलेंगे तो 1 से 2 दिन लग सकता है, ठीक है, लेकिन वो लेक्चर आपको मिल जाएगा। जैसे कि हमने सोचा कि कन्वर्जन पे 1 से 2 या 3 लेक्चर में करना चाहिए, क्योंकि कन्वर्जन में बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आता है। देखो, आपने देखा होगा कि जो क्वेश्चन सॉल्व करने का मेरा तरीका है, मुझे लगता है सबसे बेकार तरीका मेरा ही है, ठीक है, सबसे बेकार तरीका। एकदम बच्चों को जैसे हमें लेके चलते हैं, स्टेप को जंप नहीं करना, सो करना है क्या दिया गया नहीं दिया गया है, ठीक है। तो आप ही के हित में काम किया जा रहा है और आपको सपोर्ट करना लाजिम बनता है, ठीक है। तो ज्यादा बात नहीं करेंगे और सीरीज नहीं रुकेगा, ये कभी मत सोचिएगा कि सीरीज जो चल रहा है वो रुक जाए। कुछ टाइम के लिए मैं होल्ड करूंगा लेकिन हमेशा के लिए नहीं करूंगा, उसको मैं लेके चलूंगा, ठीक है। अभी जैसे 2 ये चल रहे हैं और क्लास 10th का एक जो बोर्ड का मैं करवा रहा हूँ उसको भी नहीं रोकना है, ठीक है। उसका लेक्चर हम बहुत जल्दी प्रोवाइड करेंगे क्योंकि 5 या 6 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। तो मेन मेन जो बड़े बड़े चैप्टर हैं उसको कंप्लीट कर रहे हैं, जिसका वेटेज ज्यादा है उसको कंप्लीट कर रहे हैं, चाहे वो फाउंडेशन सीरीज हो चाहे वो नॉर्मल हम लेक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। लेक्चर कोई भी रुकेगा नहीं। हाँ, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स अभी रोका गया है, वो रुके ही रहेगा, ठीक है। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में प्रोवाइड नहीं करना, ठीक है। हमें बहुत कुछ कवर करना है यार, फिजिक्स भी करना है, ठीक है। तो जितना जल्दी है वो हमें प्रोवाइड करना। देखो, ऑफलाइन भी क्लासेज लेना पड़ता है, ठीक है। कभी कभी आपने देखा होगा कि बॉडी भी साथ नहीं देता, कभी तबीयत खराब हो, कभी कुछ, तो बहुत तरह का लाइफ में प्रॉब्लम होता है। तो उस चीज को नहीं माइंड में मैं केयर करता हूँ, क्योंकि लाइफ जो है वो लिनियर नहीं है, बिल्कुल कर्व जैसे चलते हैं, कभी अप एंड डाउन ये लगा रहता है, ठीक है। तो ज्यादा लेट आप लोग को नहीं करते हैं और आते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन में। प्यारा क्वेश्चन है, देखिए क्या कह रहा है। हाउ मेनी क्यूब्स ऑफ 10 सेंटीमीटर इज कैन बी पुट इन क्यूबिकल बॉक्स ऑफ 1 मीटर इज, कह रहा है कि कितने क्यूब 10 सेंटीमीटर इज वाले को हम 1 मीटर इज वाले क्यूबिकल बॉक्स में रख सकते हैं। फिर से एक बार बताते हैं, कह रहा है कितने क्यूब्स को कितने 10 सेंटीमीटर क्यूब को हम 1 सेंटीमीटर एज वाले क्यूबिकल बॉक्स में रख सकते हैं। आइए देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है, अच्छा ऑप्शन नहीं पढ़ा है। ऑप्शन ए में है 10 और ऑप्शन बी में 100, ऑप्शन सी में 1000, ऑप्शन डी में 10,000। तो सबसे पहले एज अपने पास में गिवेन है, ठीक है, तो हम लिख लेते हैं गिवेन, एकदम आराम आराम से करेंगे। गिवेन एज ऑफ, एज लिखना डायरेक्ट, एज 10 सेंटीमीटर, ठीक है। 10 सेंटीमीटर एज दिया, पहले इसका वॉल्यूम निकाल दें, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू क्या होता है, साइड का होल क्यूब होता है, ठीक है। साइड कितना है, एज कितना है अपने पास 10 सेंटीमीटर, सेमी भी रख दिया मैंने, क्यूब करना है। तो चलो आ जाए, 10 का
का क्यूब का मतलब हुआ 10 × 10 × 10 और मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 1000, ठीक है 1000। अब बात करें जरा सा यूनिट का, तो सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 7 × 7 × 7, ठीक है इसको मल्टीप्लाई करोगे तो सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि ये पावर जो होता है वो ऐड हो जाता है मल्टीप्लाई करने के बाद में, तो यह आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब आगे में चलते हैं, एज अपने पास में गिवन है केस टू में 1 मीटर, ठीक है। तो आप लोग जानते हो कि 1 मीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी सेंटीमीटर, 100 होता है, ठीक है 100 सेंटीमीटर, बदल दिया, वॉल्यूम निकाल लेते हैं, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ठीक है इज इक्वल टू क्या होता है एज का स्क्वायर, एज का क्यूब होता है, स्क्वायर नहीं होता क्यूब होता है, क्यूब होता है। चलो मल्टीप्लाई करेंगे कितना जाएगा, पावर कितना है, पावर कितना है 3 है, मतलब कि 60, यहां 20 है ना, तो 2 × 2 = 4 × 2 = 6 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक। नंबर ऑफ हाउ मेनी क्यूब्स मतलब कि कितने क्यूब रख सकते हैं, ये अपने को कैलकुलेट करना है, ठीक है कितने को रख सकते हैं ये अपने को क्या करना है कैलकुलेट करना। आइए जरा सा देखते हैं, आगे में चलेंगे हम बात करेंगे नंबर ऑफ क्यूब, नंबर ऑफ क्यूब इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ 1 मीटर, 1 मीटर लिखो, वॉल्यूम ऑफ क्यूब लिख देते हैं 4 है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब 4 1 मीटर इज, ठीक है डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूब 4 10 सेंटीमीटर इज, ठीक है जो क्वेश्चन में दिया उसके अकॉर्डिंग से लिखा हूं, आप चाहें तो 100 सेंटीमीटर कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। चलिए अब जब रखने के लिए जाएंगे तो देखो हमें क्या मिलेगा, कितना है ये 10 लाख, कितना है 10 लाख, 3 × 3 = 6, ठीक है। और ये हमने 10 सेंटीमीटर एज वाले को लिखा है 1000, 3 × 0 = 3 कैंसल आउट हो जाएगा, कितना आ जाएगा 1000 क्यूब को हम रख सकते, ठीक है कितना रख सकते हैं 1000 क्यूब को रख सकते हैं 10 सेंटीमीटर वाले एज के, ठीक है 10 सेंटीमीटर वाले एज का जो क्यूब है वो 1 मीटर क्यूबिकल बॉक्स में हम रख सकते हैं, ठीक है 1 मीटर क्यूबिकल एज वाले बॉक्स में रख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अगर देखें तो अपना ऑप्शन सी ठीक है, लिखते हैं ज्यादा टाइम आपका ना लूं, आंसर सी इज करेक्ट, ठीक है। देखो ये चैप्टर में थोड़ा होता है कंफ्यूजन, क्या होता है कि क्लियर नहीं करता टीएसए निकालना है या सीएसए निकालना है, ठीक है ये चीजें ध्यान में जरा सा रखना है अपने को, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा कभी हो सकता है मेरे से भी मिस्टेक हो जाए, उस चीज को जरा ध्यान रखिएगा, कॉपी करेंगे इसको, मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2 पे मिटा दिया जाए, चलिए भैया मिटा दिया मैंने, बस आप लोग पढ़ते रहो यार, लेक्चर तो हम प्रोवाइड ही कर देंगे, ठीक है मैंने एक लेक्चर बोला है, जरूरी नहीं कि एक लेक्चर दो, 5 भी दे सकता हूँ, 6 भी दे सकता हूँ, ऐसी 6 लेक्चर मैंने हफ्ते में बोला है, ठीक है हो सकता है कि वो लेक्चर आपको 12 भी मिल जाए, कहना मुश्किल है, अभी शुरुआत में थोड़ा सा जो होता है ना वो कछुए की चाल में चलना चाहिए, फिर पिकअप तुरंत बढ़ा देंगे, आप लोग भी बढ़ाइएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे कह रहा है द एज ऑफ अ क्यूबॉइड आर इन द रेशियो, क्यूबॉइड का जो है अपने पास में रेशियो गिवन है 1:2:3 एंड इट्स सरफेस एरिया इज 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो यहां पे सरफेस एरिया बोला है, टीएसए नहीं बोला, सीएसए नहीं बोला है, तो याद रखिएगा द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज, तो बताइए वॉल्यूम क्या होगा क्यूबॉइड का, 48 सेंटीमीटर क्यूब, 64 सेंटीमीटर क्यूब, 96 सेंटीमीटर क्यूब, 120 सेंटीमीटर क्यूब। क्या हमसे कह रहा है, हमसे कह रहा है कि एक क्यूबॉइड का रेशियो हमारे पास में गिवन है और उसका सरफेस एरिया दिया गया है, तो हमें निकालना है कि उसका वॉल्यूम क्या होगा, ठीक है आइए क्वेश्चन नंबर 3
क्वेश्चन नंबर टू हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक, कोई बात। तो रेशियो में दिया गया है क्वेश्चन, तो अगर इस तरह का बच्चों क्वेश्चन मिले तो आप कैसे डील करोगे, जरा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले मान लेना लेट लेट द लेंथ कॉमा ब्रेथ एंड हाइट बी एक्स कॉमा टू एक्स एंड थ्री एक्स। हमने मान लिया, माना कि लेंथ ब्रेथ और हाइट एक्स कॉमा टू एक्स एंड थ्री एक्स, ठीक है, यही तक रूप है। अब आगे में चलते हैं, कह रहा सरफेस एरिया, मतलब कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ किसका है, क्यूब का है, क्यूबॉइड का है, टोटल का है, किसका है? टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, यहां ध्यान रखो, क्यूबॉइड इज क्या होता है, टू टाइम्स ऑफ लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ, यही होता है। टोटल सरफेस एरिया अपने को यहां से दे दिया है, टोटल सरफेस एरिया क्यूबॉइड का दे दिया, कितना दिया है 88, तो हमने यहां 88 रख दिया इज इक्वल टू 2, ठीक है। लेंथ देखो क्या है, अगर यहां से मैं थोड़ा हिंट्स करूं तो एल इज इक्वल टू एक्स और बी इज इक्वल टू 2x एंड एच इज इक्वल टू 3x, ये अपने को दिया गया है, ठीक है। तो x इंटू 2x प्लस 2x इंटू 3x प्लस 3x इंटू एक्स, ये दिया गया। अगर मैं 2 को ले आऊं लेफ्ट हैंड साइड पे तो डिवाइड में आ जाएगा 88 बाय 2 इज इक्वल टू, और इधर प्रोडक्ट कर देते हैं, कुछ नहीं है तो 1 मान लेते हैं, तो ये मिल जाएगा हमें यहां से क्या 2 और x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 2 3 जा 6 x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस यहां पे भी 1 कंसीडर कर लेते हैं तो ये 3 1 जा 3 और एक्स स्क्वायर आ जाएगा। इसको जब बाबू कैंसिल करोगे तो मिलेगा 44, कितना मिल जाएगा 44, ठीक है। तो 44 इज इक्वल टू सबको हम जोड़ देते हैं तो कितना आ जाएगा, देखो 6 और 3 9 9 और 2 11 11 एक्स स्क्वायर, 11 को इधर ले आते हैं एक्स स्क्वायर पे यूनिटी कर देते हैं, ठीक है। तो 44 डिवाइडेड बाय 11 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर 11 का भी 11 11 44, ठीक है। क्या हम लिख सकते हैं, देयरफॉर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, देखो यहां से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। जैसे कैंसिल करोगे तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 सेंटीमीटर, ठीक है। क्योंकि देखो सेंटीमीटर में कहां से लिखा, सेंटीमीटर मैंने लिखा है यहां से एरिया से, ठीक है। तो सेंटीमीटर आ गया हमारे पास, अब क्या करते हैं कि l निकाल लेते हैं, l आ गया हमारे पास में 2 सेंटीमीटर, और अगर हम b की बात करें छोटा ही लिख, चलो बड़ा ही लिख लेते हैं, तो b की हम बात करें कितना है 2x, ठीक, x की प्लेस पे वैल्यू रख देते हैं 2 इंटू 2 तो कितना आ जाएगा 4 सेंटीमीटर हमारे पास में, ब्रेथ भी आ गया। अगर हम हाइट की बात करें तो h इज इक्वल टू कितना है 3x, तो h इज इक्वल टू क्या होगा 3 इंटू 2, ठीक है, और h इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 6 सेंटीमीटर, ठीक है। यहां से क्या पता चल गया, l b h तीनों पता चल गया, क्या हम क्यूबॉइड का वॉल्यूम नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते। नाउ वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, रख दें वैल्यू रख दें, अरे हाँ या ना बता, तो लेंथ कितना है 2 और ब्रेथ कितना है 4 और हाइट कितना है 6, देख लो वॉल्यूम यही होता है, तो कितना आ जाएगा 6 × 24 दूना 48 सेंटीमीटर। क्या लिखोगे, स्क्वायर ना क्यूब लिखोगे, 48 सेंटीमीटर क्यूब आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से यार आपको जो है ना वो सॉल्व करना है, ठीक है, देख रहे हो। पहले क्या करना है कि जो अगर रेशियो में दिया तो उसको मान लो, मानने बाद में जो स्टेटमेंट आप पढ़ो फिर दोबारा, स्टेटमेंट को 2 से 3 बार पढ़ना है, कितनी बार पढ़ना है 2 से 3 बार पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना, उसके बाद में फिर डेटा को
जो रिक्वायरमेंट है वॉल्यूम निकालने के लिए हमें क्या चीज का जरूरत पड़ता, लेंथ और ब्रेथ का और हाइट का जरूरत पड़ता, तो वो चीज पहले मैंने कैलकुलेट कर लिया। कैलकुलेट करने के बाद में हमने वैल्यू को रख दिया और आंसर आ गया। ठीक है, कॉपी करो। बिठा दिया जाए, बिठा दिया जाए। ऐसे आप लोग यार तेज तरह, थोड़ा मैं ही सुलो हूं, मैं ही सुलो, आप लोग तेज तरह यार। कन्वर्जन का हम लेक्चर प्रोवाइड करेंगे यार, कन्वर्जन जरूरी है, बच्चों को प्रॉब्लम आता है कन्वर्जन में। ठीक है, तो उसमें थोड़ा टाइम लेंगे, उसके बाद में कन्वर्जन भी हम प्रोवाइड करेंगे। अब चलते हैं अपना थर्ड क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर थ्री में कह रहा है, टू क्यूब हैव देयर वॉल्यूम इन द रेशियो, कह रहा है कि दो क्यूब के वॉल्यूम का रेशियो दिया गया है 1:27। द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया इज, तो रेशियो आपको कैलकुलेट करना है सरफेस एरिया का क्या होगा। फिर से रिपीट करते हैं, आपके पास में जो है दो क्यूब के वॉल्यूम का रेशियो दिया गया है 1:27, आपको कैलकुलेट करना है सरफेस एरिया का रेशियो, यानी रेशियो निकालना किसका है, सरफेस एरिया का। आइए जरा सा थ्री की हम बात करते हैं। अच्छा, रेशियो ऑप्शन में है 1:3, 1:9, 1:27, 2:3 है। ठीक है, आइए क्या करें जरा सा सोचो यार। पहले मान ले इसके रेशियो को, कुछ एज को मान लेते हैं ना, लेट द एज ऑफ फर्स्ट क्यूब एंड सेकेंड क्यूब बी ए एंड बी। हमने मान लिया कि फर्स्ट क्यूब का जो एज है वो क्या है, ए है, और सेकेंड क्यूब का जो एज है वो बी है। ठीक है, बताओ इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलिए अब आगे चलते हैं। वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट क्यूब डिवाइडेड बाय वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट क्यूब डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सेकेंड क्यूब इज इक्वल टू कितना रेशियो अपने पास में गिवन है, 1:27। ठीक, देखो फर्स्ट वॉल्यूम क्यूब आपने क्या माना है, उसका एज ए माना है, तो वॉल्यूम आपको पता है कि क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, ए क्यूब होता है, यानी कि एज का क्यूब होता है। डिवाइडेड बाय अगर सेकेंड की देखें तो ये क्या आ जाएगा, बी क्यूब आ जाएगा। ठीक है, मैं कर कुछ नहीं रहा हूं, आप देखो और ऑब्जर्व करो। देखो अगर मैं लिखता फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू क्या होता, साइड का क्यूब होता, एज का क्यूब होता। ठीक है, सेकंड का उसी तरह करते हैं। अब जरा सोचो, क्या मैं इसको अगर लिखूं ए बाई बी का होल क्यूब और 1/3 का क्यूब कर दूं, कोई कंफ्यूजन है? देखो 3 का क्यूब 27 होता है, 1 का क्यूब 1 ही होता है, तो अगर इसको मैं ब्रेक करके लिखूंगा तो अगेन हम कहां पहुंच जाएंगे, 1/27 में। तो ऐसा करने का मतलब है ये इलिमिनेट हो जाएगा, ए बाई बी इज इक्वल टू 1/3, यानी कि कह सकते हैं ए रेशियो बी इज इक्वल टू 1:3 आ गया। यहां छोड़ना नहीं है, ऑप्शन में यहां दिया हुआ है। ठीक है, ऑप्शन ए में यही दिया हुआ आंसर, तो यहां छोड़ना नहीं है। आगे में चलते हैं, आगे में अपने से कह रहा है तो रेशियो क्या होगा, क्या होगा इसके सरफेस एरिया का, रेशियो क्या होगा इसके सरफेस एरिया का। अब सवाल आ जाता है कि सर सरफेस एरिया कौन सा लूंगा मैं, लेटरल लूंगा या टोटल लूंगा। ठीक है, लेटरल लूंगा या मैं टोटल लूंगा, लेटर मतलब कर्व है ना, कर्व का लूंगा या टोटल का लूंगा। तो बेटे हमें टोटल का लेना है, किसका लेना है, टोटल का। ठीक है, हम टोटल का निकालेंगे। टोटल सरफेस एरिया ऑफ फर्स्ट क्यूब, ऑफ फर्स्ट क्यूब, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल सरफेस एरिया ऑफ
सेकेंड क्यूब, सेकेंड क्यूब। बताओ फर्स्ट का क्या होता है? 6a² डिवाइडेड बाय 6b² 6a6 कैंसल आउट हो जाएगा, हो जाएगा या नहीं होगा ये बताओ मुझे, हो जाएगा ना? आगे नहीं चलते, यहां से देखो तो a² / b² अब जरा सोचो, जरा सोचो कि a² / b² को हम क्या लिख सकते हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं, a / b का होल स्क्वायर, हाँ या ना बताओ? दोनों का पावर सेम है तो हम कॉमन ले सकते हैं, यहां प्लस भी नहीं है कि किसी तरह का बिहेवियर इनका चेंज होगा, तो लिख सकते हैं ना। अब जरा सा देखो कि a / b निकाल के लाए, 1/3 लेके आए हो, ठीक है, तो यहां आपने रख दिया 1/3 का होल स्क्वायर, और थोड़ा अगर ब्रेक करके लिखने के लिए जाए तो क्या मिल जाएगा हमें, 1/9, यानी कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ फर्स्ट क्यूब डिवाइडेड बाई टोटल सरफेस एरिया ऑफ सेकेंड क्यूब इज इक्वल टू 1:9। तो इसी को हम अगर थोड़ा बढ़ा के लिखे तो 1:9 आ जाएगा। देखो जरा सा, कोई मैच कर रहा? ऑप्शन बी ठीक है, आंसर ऑप्शन बी ठीक है। देखो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, ठीक है, कॉपी करेंगे इसको, फिर हम और क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन 4 में हमसे कह रहा है, एन आयरन बीम इज 9 मीटर लॉन्ग, 40 सेंटीमीटर वाइड एंड 20 सेंटीमीटर हाई। इफ 1 क्यूबिक मीटर ऑफ आयरन वेट 50 kg, कह रहा है एक आयरन बीम है जिसकी लंबाई 9 मीटर है और जिसकी चौड़ाई 40 सेंटीमीटर है, जिसकी ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है, यदि 1 क्यूबिक मीटर आयरन का वेट 50 kg है, 1 क्यूबिक मीटर आयरन का जो वेट है वो 50 kg है, ठीक है, तो क्वेश्चन में और थोड़ा सा मैं क्लियर करता हूं, कह रहा है एक आयरन बीम है जिसकी लंबाई कितनी, 9 मीटर का, चौड़ाई 40 सेंटीमीटर का, 20 सेंटीमीटर का ऊंचाई, ठीक है। सबसे पहले यहां से आपको क्या करना है कि वॉल्यूम को कैलकुलेट करना। आगे कह रहा कि यदि 1 क्यूबिक मीटर आयरन का जो वेट है वो 50 kg है, तो सपोज दैट जो वॉल्यूम आएगा उसको हम क्या करेंगे कि मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपना काम बन जाएगा। देखिए जरा क्वेश्चन हमसे कह रहा है 4 में कि गिवन क्या है, लेंथ गिवन है, गिवन है, गिवन, गिवन लेंथ इज इक्वल टू 9 मीटर, मीटर में ही लेके चलते हैं, है ना, क्योंकि यहां पर हमें क्यूबिक मीटर दिया सेंटीमीटर में, तो बाद में चेंज करने के बजाय अभी से करके हम चलते हैं, ठीक है। और अगर हम ब्रेथ की बात कर रहे हैं तो 40 सेंटीमीटर है, ठीक है, और आपको पता है कि 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर, ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर बराबर कितना हो जाएगा, 1/100 मीटर, याद है ना, तो अगर हम 40 को डिवाइड कर दें तो अपना काम बन जाएगा, 40 / 100 जीरो कैंसल आउट कर देंगे तो बी इज इक्वल टू कितना जाएगा, 0.4 मीटर, ठीक है, यहां से बी पता चल गया, मीटर में लिखा। उसी प्रकार से अगर हम एच की बात कर रहे हैं तो एच इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर है, तो एच इक्वल टू 20 और अगर 100 से डिवाइड कर देंगे तो ये मीटर में आ जाएगा, ये कैंसल आउट हो जाएगा, तो एच इज इक्वल टू 0.2 मीटर आ जाएगा यहां से आगे, ठीक। अब निकाल लेते हैं वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ आयरन क्यूब है, यहां हिट्स किया गया है, ध्यान रखना क्यूब है, ठीक है, हिट्स तो नहीं किया गया लेकिन क्यूब है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, हाँ वॉल्यूम ऑफ क्यूब नहीं, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, लेंथ ब्रेथ हाइट है बाबू, क्यूबॉइड क्या होता है, एल इंटू बी इंटू एच रखते हैं, तो रखेंगे तो लेंथ हमारे पास में 9 मीटर का और हाइट 0.4 × 0.2, अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 × 36 3.6 × 0.2 और 36 × 72, ठीक कोई बात नहीं, मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 0.72, ठीक है, क्रॉस चेक कर लेना बहुत जरूरी है, 3.6 × 0.2 विच इज इक्वल टू 0.72, ठीक है, ये आ गया मीटर क्यूब में, क्या आ गया ये मीटर क्यूब में, ठीक है। अब यहां कह रहा 1 क्यूबिक मीटर ऑफ आयरन वेट इज 50 kg,
वन मीटर क्यूब ऑफ आयरन आयरन इज इक्वल टू 50 kg, देयरफोर 0.72 मीटर क्यूब ऑफ आयरन इज इक्वल टू 50 × 0.72, और इसको अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा जरा सा देखें, मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाता है 50 × 0.72 कितना आ रहा, 36 kg, 36 kg, ठीक है। तो 0.72 मीटर क्यूब ऑफ आयरन का जो वेट होगा वो होगा 36 kg, ठीक है, 36 kg। कोई ऑप्शन मैच कर रहा है क्या, ऑप्शन सी ठीक है, आंसर ऑप्शन सी करेक्ट है, ठीक है। देखो अच्छे से फ्रेश तरीके से सॉल्व करना, पैसे कॉपी करोगे, ठीक है, एक ही क्वेश्चन का प्रयोग करेंगे। बिटा दूं, अब आगे में चलते हैं, अपना क्वेश्चन देखते हैं। फॉर्मूला अच्छे तरीके से रखा करो दिमाग में, ठीक है, अगर फॉर्मूला पता नहीं तो आप निकाल लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। थोड़ा सा कंफ्यूज करता है, ऐसा नहीं कि नहीं कंफ्यूज करेगा, ज्यादा करेगा। क्वेश्चन फोर अपना कंप्लीट हो गया, मूव करते हैं क्वेश्चन फाइव पे। क्वेश्चन फाइव में कह रहा, अ रेक्टेंगुलर वाटर रिजर्वर कंटेन 42,000 लीटर, कह रहा एक रिजर्वॉयर है जिसमें वाटर जो है कितना स्टोर किया जाता है, 42,000 लीटर, ठीक है। इफ द लेंथ ऑफ रिजर्वॉयर इज 6 मीटर एंड इट्स ब्रेथ इज 3.5 मीटर, देन सॉरी द डेप्थ ऑफ द रिजर्वॉयर इज, अब आसान करते हैं क्वेश्चन को, कह रहा है कि एक रेक्टेंगुलर वाटर रिजर्वॉयर जिसमें 42,000 लीटर पानी को रखा जाता है, जिसकी लंबाई 6 मीटर का है और उसका चौड़ाई जो है वो कितना है, 3.5 मीटर का, तो आप बताएं उसकी गहराई कितनी है, उसकी गहराई कितनी है, ठीक है। क्या दिया है, दिया है बाबू आपको यहां पे गिवन 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 लेंथ आपको दे दिया गया है 6 मीटर का, ठीक है, और इसका ब्रेथ जो है वो 3.5 मीटर का है, ठीक। हमें इसकी ऊंचाई यानी डेप्थ को अपने को पता करना है कितना मीटर होगा, लेकिन हिंट्स के तौर पर अपने को कुछ दिया है, अपने को कुछ दिया है, ठीक है। कितना रिजर्वॉयर में पानी रखा जा रहा है, 42,000 लीटर, तो अगर हम निकालें वॉल्यूम ऑफ रिजर्वॉयर इज लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, तो काम बन जाएगा। कितना दिया है यहां पे वॉल्यूम हमारे पास में 47 लिख रहा हूं मैं, बताओ 42,000 लीटर इज इक्वल टू लेंथ कितना 6, ब्रेथ कितना 3.5, और एच अपने को निकालना है, ठीक है, 42,000 लीटर, ठीक है। अगर इसको मल्टीप्लाई करने जाएंगे तो 6 × 5 = 30 का 0 कैरी रहा 3, 6 × 3 = 18 और 3 = 21, ठीक है, पॉइंट आ जाएगा एच, ठीक। अगर डिवाइड में लेकर आऊं काम बन जाएगा 42,000 लीटर, अभी कंफ्यूज हुआ तो लेटर में रहने थे बताऊंगा, 21, ठीक है, एच, ठीक, कोई कंफ्यूज हो तो नहीं, 21 × 1 = 21, इसको हटा दे रहा हूं, 21 × 2 = 42 कितना आ जाएगा 2,000 लीटर, गहराई जो हम शो कर रहे हैं अभी देखते रहे, 2000 ये लीटर आ गया एच में। याद करना जरा सा कि 1 m³ इज इक्वल टू 1000 लीटर होता है, ठीक, और ये आ रहा है मीटर क्यूब, ठीक है। तो क्या करना है, अगर लीटर को 1000 से भाग कर दोगे तो वो मीटर में कन्वर्जन हो जाएगा, 3 से 3 के साथ आउट हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से कह सकते हैं 1 लीटर, और देयरफॉर 1 लीटर इज इक्वल टू 1/1000 मीटर, ठीक, इसमें आ जाए, ठीक। लेकिन ये क्यूब में तो आ गया, ध्यान रख लेना, ठीक है, ये मीटर स्क्वायर में है और ये मीटर क्यूब में है, ऐसा मत कहना कि यार जबरदस्ती आंसर मिला दिया, ठीक है। देखो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 मीटर यहां बचेगा,
तो अब ये मीटर में आएगा बाबू, देखो मीटर क्यूब में आ रहा है सर, आप तो डायरेक्ट ऐसे आंसर मिला दिए, तो कितना आ गया 2 मीटर। तो उस रिजर्वॉयर का जो गहराई होगा वो कितना होगा, 2 मीटर का होगा, कितना होगा 2 मीटर का। देखो बाबू जब पढ़ा रहा हूं फाउंडेशन तो जाहिर सी बात मुझे बताना पड़ेगा कि कौन सा यूनिट कहां से आ रहा है, कैसे कैलकुलेशन कर रहा हूं यार, ऐसा तो थोड़ी की जबरदस्ती आपको सॉल्व करके दिखा दूंगा, ठीक है। तो देखो यहां से मीटर क्यूब में चल रहा है, ठीक है, ये मीटर क्यूब में चल रहा है, इसको अगर लेके चलेंगे ये मीटर क्यूब में चल रहा है, ठीक है, ये मीटर क्यूब में चल रहा है, ठीक है, लेकिन एच का नहीं पता तो मीटर स्क्वायर ही लेके चल लो, मीटर स्क्वायर लेके चल लो, मीटर स्क्वायर लेके चल लो, ठीक है, क्योंकि एच हमें पता नहीं है, तो मीटर स्क्वायर ला गया, मीटर स्क्वायर से यहाँ कैंसिल आउट करके दिखा दिया आपको, ठीक है, लेकिन यहां तक लीटर में था, यहां नहीं हम दिखा सकते, यहां दिखा नहीं सकते, यहां दिखा सकते, यहां दिखा सकते, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, ठीक, यहां दिखा सकते हम, यहां दिखा सकते, ठीक है, बताओ यार कोई कंफ्यूज आ नहीं है तो कॉपी करो। आइए जरा सा क्वेश्चन देखते हैं आप 6। अब जाहिर सी बात है कि हमें लीटर दे दिया गया था रिजर्वॉयर का, यानी कि जो टैंक है उस टैंक में इतना पानी जमा किया जा सकता है, तो ऐसा भी तो क्वेश्चन हो सकता है कि लेंथ ब्रेथ और हाइट दे दे और हमसे कहे कि उस टैंक में कितना पानी रखा जा सकता है, कितना तेल रखा जा सकता है, ठीक, ये भी तो हमसे पूछा जा सकता है ना, तो वही क्वेश्चन है 6। कह रहा है अ रेक्टेंगुलर वाटर टैंक इज 3 मीटर लॉन्ग, 2 मीटर वाइड एंड 5 मीटर हाई, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर कैन इट होल्ड। आ गया क्वेश्चन, क्या कह रहा है कि एक वाटर टैंक है, एक वाटर टैंक है जिनकी लंबाई 3 मीटर का है और 3 मीटर का है, चौड़ाई 2 मीटर का है, उसकी जो गहराई ऊंचाई है वो कितना है 5 मीटर का, तो ये बताओ कि इसमें कितना लीटर पानी को रोका जा सकता है, रखा जा सकता है, होल्ड किया जा सकता है, ठीक है। तो आइए जरा सा देखिए, गिवन है अपने पास में, गिवन क्या, लेंथ दे दिया है ना, लेंथ दे दिया 3 मीटर का और ब्रेथ हाइट 3 मीटर का, ब्रेथ दे दिया कितना 2 मीटर का और हाइट दे दिया 5 मीटर का, ठीक है, यही है 2 3 5 2 3 5, ठीक है। तो हम वॉल्यूम ऑफ टैंक निकाल लेते हैं, वॉल्यूम, अरे यार वॉल्यूम ऑफ टैंक, टैंक इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल इंटू बी इंटू एच, क्यूब नहीं है ये, क्यूबॉइड है, ठीक है, तो 3 मीटर इंटू, मीटर में रखना 2 मीटर इंटू 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 5 मीटर है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × 10 = 30 मीटर, ठीक। अब देखो पानी जो रखा जाएगा, जो पानी रखा जाएगा बाबू वो मीटर में नहीं रखना है, लीटर में रखना है, किसमें रखना है, लीटर में रखना। अभी मैंने जस्ट फॉर्मूला लिखा था, क्या लिखा था, 1 meter cube is equal to 1000 liter और 1 liter is equal to 1 upon 1000 meter cube, ये होता है, दो मैंने अभी मेजरमेंट का जो है वो यूनिट कराया, ठीक, आगे अब क्या करते हैं, यहां से चेंज कर देते हैं, 30 × 1000 ये लीटर में बदल गया, ठीक है, ये लीटर में बदल गया, ठीक है, मैं रख दिया किसकी जगह पे, इसकी जगह पे, ठीक। अब मल्टीप्लाई करोगे तो 30,000 liter आ जाएगा, आ गया ना, देखो क्या कोई आंसर मैच कर रहा है, नहीं मैच कर रहा तो अपने कैलकुलेशन चेक करेंगे, तो ऑप्शन ए ठीक है, ठीक है, ऑप्शन ए ठीक है, आंसर में क्या लिखोगे, आंसर में लिखोगे ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। एक दो क्वेश्चन और कराते हैं, पहले इसको क्या करेंगे आप कॉपी करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन 7 है, 7 में हमसे कह रहा था डायगोनल ऑफ अ क्यूब इज 4√3 cm लॉन्ग, दैट इट्स वॉल्यूम इज, ऑप्शन ए है 8 cm³, ऑप्शन बी है 16 cm³ और ऑप्शन सी है 27 cm³ और ऑप्शन डी है 64 cm³। कह रहा है कि डायगनल, एक क्यूब के डायगनल की जो लंबाई है वो दिया गया है आपके पास 4√3 cm है, तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, रिपीट कर रहे हैं, एक डायगनल क्यूब का लंबाई हमारे पास में दिया गया है 4√3 cm है, तो उस क्यूब की जो है वॉल्यूम क्या होगा। चलिए क्वेश्चन 7, ठीक है, गिवन क्या है डायगनल, ठीक है, तो लिखते हैं डायरेक्ट कि डायगोनल, डायगोनल
ऑफ आ क्यूब, ऑफ आ नहीं लगाएंगे, ऑफ क्यूब इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, रूट थ्री ए स्क्वायर, ठीक यही होता है। और हमें दे दिया गया डायगोनल क्यूब का फोर रूट थ्री सेंटीमीटर, सेंटीमीटर तो रूट थ्री, रूट थ्री ए स्क्वायर लिख दें डायरेक्ट, ठीक है ना, ए स्क्वायर नहीं होता है, होता है नहीं होता है, गलत है ये होता है ठीक, क्योंकि हम रूट से बाहर निकालते हैं। देखो वॉल्यूम डायगोनल का जो होता है वो क्या होता है, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और क्यूब में क्या होता है कि जो लेंथ ब्रेथ और हाइट, लेंथ ब्रेथ और हाइट जो होता है वो बराबर होता है, तो हम इसको ऐड करते आ जाता है रूट थ्री एल स्क्वायर, ठीक है, यानी कि साइड हम ले रहे हैं और रूट से निकालेंगे तो आ जाएगा रूट थ्री एल आ जाएगा, इसलिए स्क्वायर हो ही नहीं सकता, ठीक है, स्क्वायर हो नहीं सकता, ठीक है। अब देखो फोर रूट थ्री सेंटीमीटर, ठीक है, मल्टीप्लाई है डिवाइड में लेकर हूं, रूट थ्री इज इक्वल टू ए आ जाएगा, रूट थ्री से रूट थ्री कैंसिल हो जाएगा, तो ए इज इक्वल टू कितना आ गया, फोर सेंटीमीटर। अब बताओ क्या आप वॉल्यूम नहीं कैलकुलेट कर सकते हो, क्या आप वॉल्यूम को कैलकुलेट नहीं कर पाओगे, बहुत आराम से कर पाओगे, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू क्या होता है, साइड का होल क्यूब, साइड रखो कितना है, फोर है, ये साइड है, ठीक है, ये साइड है, याद रख लेना, तो फोर का क्यूब करेंगे कितना आ जाएगा, 64 सेंटीमीटर में है तो इसका पावर थ्री, देख ऑप्शन डी अपना ठीक है, ठीक है, तो आंसर, आंसर डी जो है वो करेक्ट है, ठीक है, यहीं पे करा देता हूं यार, एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, क्वेश्चन एट करा देता हूं, क्वेश्चन एट, क्वेश्चन एट में, अच्छा इधर भी तो जगह है, चलो पहले यहां से शुरुआत करते हैं, बहुत जगह है, क्वेश्चन एट, क्वेश्चन एट में हमसे कह रहा है द डायगोनल ऑफ अ क्यूब मेजर 9√3 सेंटीमीटर देन इट्स टोटल सरफेस एरिया इज, कह रहा है कि एक डायगोनल, सॉरी एक क्यूब के डायगोनल जो है उसको मेजर किया गया, यानी लेंथ जो है वो 9√3 सेंटीमीटर है, तब बताओ कि टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, ऑप्शन ए है आपके पास में 243 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी है 486 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ऑप्शन सी है 324 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ऑप्शन डी है 648 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, तो कैलकुलेट करें सिमिलर होगा, ठीक है, तो निकालते हैं डायगोनल, डायगोनल ऑफ ऑफ क्यूब इज इक्वल टू रूट थ्री ए, डायगोनल आपके पास में क्यूब का गिवन है 9√3 सेंटीमीटर इज इक्वल टू रूट थ्री ए आ जाएगा, रूट थ्री को इधर ले आए तो 9√3 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई रूट थ्री इज इक्वल टू ए आ जाएगा, रूट थ्री से रूट थ्री कैंसिल, तो साइड कितना आ गया 9 सेंटीमीटर, साइड कितना आ गया 9 सेंटीमीटर साइड आ गया, ठीक है, तो अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब निकालना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, इसका जरा समय चेक करता हूं, यूनिट, ठीक, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, मुझे लगा था ना उसका यूनिट क्यूब में होगा, नहीं क्यूब में क्यों होगा, 6 ए स्क्वायर होता है, ठीक है, तो 6 इंटू ए स्क्वायर मतलब कि 9 का स्क्वायर, ठीक है, 6 को कॉपी, 9 का स्क्वायर 81, मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 का में 6 और 8 6 48 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, ये टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब आ गया, यदि हमारे पास डायगोनल दिया गया है और वॉल्यूम पूछे या टोटल सरफेस एरिया पूछे या लेटरल पूछे तो हम इजीली निकाल सकते हैं, कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा सही है, तो ऑप्शन बी ठीक है, ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट, बताइए इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है, अपना बेस पहले मजबूत करना है फिर काम करना है, तो आप लोग एंजॉय कीजिए और बढ़ते रहिए और अपने लाइफ को बहुत अच्छे तरीके से मजे में गुजारिए।